अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं और खैरियत से हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी दही फुल्कियों की रेसिपी। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो मैं ख़रीद के लेकर आई थी मार्केट से, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं और किस कदर महंगाई हो चुकी है। पाकिस्तान में कोई चीज़ भी ख़रीदना काफ़ी मुश्किल लगने लगा है, स्पेशली जो लोग मुतवसत तबके के हैं या फिर जो लोग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है और बहुत ज़्यादा महंगाई से तकरीबन सभी लोग परेशान हैं। महंगाई के अलावा बिजली का बिल भी बहुत आने लगा है, तो समझ नहीं आती कि किस तरह से घर को मैनेज करके चलाएं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं बहुत सारे लोगों को। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे और महंगाई का ख़ात्मा हो और सब की मुश्किलात दूर करे। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी थी, कुछ वेजिटेबल्स हैं और कुछ फ्रूट्स भी लिए हैं मैंने, और इन तमाम चीज़ों को मैं वॉश कर लूँगी और वॉश करने के बाद मैं इन सब को फ्रिज में तरतीब से रख दूँगी। तो मैं तमाम चीज़ें जो भी चीज़ें ख़रीद के लाती हूँ ना, फ्रूट्स या वेजिटेबल, मेरी कोशिश होती है कि मैं इन सबको वॉश करके ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ करके ही रखूँ। इस तरह से मुझे अच्छा भी लगता है कि फ्रिज भी साफ़ सुथरा सा लगता है और फिर तमाम चीज़ें इस्तेमाल करने में भी बहुत आसानी होती है और फिर चीज़ें जो है ना सेफ़ भी हो जाती हैं, मतलब अब चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं और धुली हुई चीज़ें मिलती हैं फ्रिज से, आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। और किस तरह से मैं हरी मिर्चें और लेमन वगैरह सेव करती हूँ, 15 से 20 दिनों तक सेव रहती हैं ये चीज़ें। इन तमाम चीज़ों की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ के हवाले से मैंने अपनी वीडियो बनाई थी और मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को थंबनेल शो हो रहा है, तो 2 वीडियोस मैं इस तरह से बना के अपलोड कर चुकी हूँ। ये पहला थंबनेल था और ये दूसरा थंबनेल है कि किस तरह से आप लोग अपने फ्रिज को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। फ्रिज क्लीनिंग आइडियाज़ भी हैं इसके अंदर और फ्रिज को किस तरह से क्लीन रख सकते हैं आप, वो तमाम चीज़ें मैंने अपनी उन वीडियोज़ में शेयर की हैं आप लोगों से, तो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। और बहुत काम की वीडियोज़ हैं, उसके अंदर बहुत काम की टिप्स मैंने आप लोगों के लिए बताई हैं, शेयर की हैं। और यहाँ पे मैं ग्रेप फ्रूट्स भी वॉश कर ले रही हूँ। ग्रेप फ्रूट्स जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आजकल इसका काफ़ी सीज़न है और काफ़ी ज़्यादा मार्केट में नज़र आ रहे हैं और शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छे रहते हैं ये। इसके अलावा जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ है, इससे बहुत तेज़ी से वेट लूज़ होता है। इसके अलावा ग्रेप फ्रूट में आप किस तरह से एप्पल साइडर विनेगर ऐड करके पी सकते हैं वेट लूज़ के लिए, बहुत तेज़ी से इससे भी वज़न कम होता है। वो भी मैंने वीडियो शेयर की अपने चैनल में, शॉर्ट्स वीडियोज़ में आप लोगों को मिल जाएगी, तो वो वीडियो भी अगर वॉच करना चाहें तो कर सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे फूल गोभी को वॉश करके मैं कटिंग कर लूँगी और कटिंग करके मैं बॉक्स में करके फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं इसे पकाऊँगी। तो इस तरह से ईजी हो जाता है, अगर वेजिटेबल्स को कटिंग करके रख दें और नेक्स्ट डे कुकिंग करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है। तो अक्सर मेरी कोशिश होती है जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं सब्ज़ियाँ जो है वो कटिंग करके रख लूँ और नेक्स्ट डे जो है बस मसाला रेडी करना होता है और फिर आराम से वेजिटेबल्स पक जाती हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत जल्दी पक जाती हैं। तो इसी दिन मैंने जो होम मार्केट भी गई थी और मार्केट से मैं सारा सौदा भी लेकर आई थी। और यहाँ पर फिर सौदा लाने के बाद तमाम चीज़ें वॉश करके रखनी होती हैं, सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना होता है। अगर ऐसे ही रख देंगे तमाम चीज़ें तो मुझे तो उलझन सी होती है जब तक मैं तमाम चीज़ें सेट करके तरतीब से ना रख लूँ। तो मैं जिस दिन सौदा लेकर आती हूँ उस दिन तमाम चीज़ें मेरी कोशिश होती है कि हर एक चीज़ अपनी जगह पे मैं जो वॉश करने वाली चीज़ें हैं वॉश करके रख दूँ। तो यहाँ पर मैं फूल गोभी को वॉश कर ले रही हूँ और कटिंग भी कर ली है इसकी। वॉश करके मैं इसे स्ट्रेन करने के लिए रख दूँगी और फिर जब इसका पानी सारा निकल जाएगा तो फिर इसे एक बॉक्स में करके फ्रिज में रख दूँगी। तो आप लोग किस तरह से अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस तरह से वेजिटेबल्स वगैरह रखते हैं इसका भी मुझे बताइएगा कि ज़्यादा दिनों तक वेजिटेबल्स जो हैं वो सेव रह सकें और या फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादा टाइम तक सेव रह सकें, तो काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी टाइम तक आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी दिनों तक फिर आपको मार्केट के चक्कर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैं इसे स्ट्रेन करने के लिए रख दूँगी और बाकी की वेजिटेबल्स भी मैं वॉश कर लूँगी। तो अब बारी बारी मैं तमाम चीज़ें वॉश कर लूँगी। जो वॉश करके रखने वाली सब्ज़ियाँ हैं, यहाँ पर मैं भिंडियाँ भी वॉश करके रख लूँगी और इसे स्ट्रेन करके स्ट्रेनर के साथ ही रख दूँगी। उसके अलावा जो मैंने अरवियाँ ली हैं उसे मैं वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि अरवियाँ छीलने के बाद ही वॉश करते हैं, तो उसे मैं ऐसे ही रख दूँगी। और जो मैंने भुट्टा ख़रीदा है, अब भुट्टा कहते हैं या मकई कहते हैं, आई डोंट नो, कुछ ऐसे ही कहते हैं भुट्टा, तो वो उसके मैं छिलके निकाल लूँगी और छिलके उसके साफ़ करके मैं उसे रख दूँगी फ्रिज में। तो इस तरह से तमाम चीज़ें इजी हो जाएंगी इस्तेमाल करने के लिए, पकाने के लिए। तो साथ साथ बात कर लेते हैं महंगाई के हवाले से। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरह से मैनेज करते हैं अपनी ग्रोसरी को, अपने घर को, किस तरह से आप लोग तमाम चीज़ें मैनेज करते हैं, बिलों को, बच्चों की फ़ीसों को। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि महंगाई की वजह से जो है वो बहुत से लोग परेशान हैं और बहुत ही मुश्किल में लोगों का टाइम गुजर रहा है। मुल्क के हालात कुछ अजीब से होते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है और क्या होना है। मेरी तो यही दुआ है कि हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और महंगाई का मुल्क से ख़ात्मा हो जाए और सबकी ज़िंदगियाँ आसान हो जाएँ, सबकी ज़िंदगियों से जो है वो तकलीफ़ें दूर हो जाएँ। आमीन। तो अब यहाँ पर तमाम चीज़ें मैंने वॉश कर ली हैं और ये तमाम चीज़ें मैं फ्रिज में रख लूँगी और इस तरह से बहुत इजी हो जाता है। और ये जो मैंने फूल गोभी कटिंग करके रखी थी, इसे मैं इस तरह से बॉक्स में करके कवर करके रख लूँगी। मज़ीद वेजिटेबल्स मैं इसके साथ कटिंग करके पका लूँगी। तो अब यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ दही फुल्कियाँ। और ये वाली जो दही फुल्कियाँ होती हैं ना, इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी होती है, एक डिफरेंट सी रेसिपी है। अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं की है तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही चटपटी सी और बहुत मज़ेदार सी ये होती है। तो दही फुल्कियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप बेसन ले लिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से तमाम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। रेड चिली पाउडर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून लिया है, नमक 1 चाय का चमचा या हस्बे ज़रूरत 1 टीस्पून, और ज़ीरा लिया है 1 चाय का चमचा, और अजवाइन ऐड करूँगी मैं यहाँ पर 1/4 चाय का चमचा। और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और एक थिक सा इसका पेस्ट रेडी कर लेना है। तो ये तमाम चीज़ें मैं चमचे के साथ मिक्स कर ले रही हूँ। और उसके बाद अच्छा, यहाँ पर मैंने खाने का सोडा भी थोड़ा सा ऐड किया था, 1/4 चाय का चमचा, वो बताने से रह गया, तो वो भी ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पहले चमचे से मिक्स कर लूँगी बेसन को, और फिर उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो मिक्स करने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये, और इसका नाम मुझे नहीं पता, और इससे बहुत ही अच्छी सी मिक्सिंग हो जाती है। चाहे बेसन की मिक्सिंग करें या किसी भी चीज़ की करें, तो बहुत अच्छी सी मिक्सिंग हो जाती है और तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं। और इसका थिक सा पेस्ट रेडी करना है, तो इसे मैं पकौड़े इसके लिए रेडी करूँगी। और ये देखें, इतना थिक होना चाहिए ये। तो इस तरह से पकौड़ों की जो शेप है ना, वो बहुत अच्छी बनती है। अगर इसका पेस्ट थोड़ा सा पतला हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, तो फिर इस तरह से पकौड़ों की शेप ख़राब हो जाएगी। ये देखें, मैंने इतना थिक पेस्ट रेडी कर लिया है बेसन का। अच्छा जी, दही अब रेडी कर लेंगे। दही के लिए मसाला रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप दही लिया है, 4 अदद साबुत लाल मिर्चें ली हैं, और 2 जवे लहसन के लेकर बीच में से उसकी कटिंग कर ली है। और स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करके इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। तो ये वाला जो इसमें मैंने ये चीज़ें जो ऐड की हैं ना, सबसे असल और सबसे अच्छा टेस्ट इन्हीं चीज़ों का आता है, और इन्हीं चीज़ों की वजह से ये दही फुल्कियाँ बहुत ही मज़ेदार सी लगती हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों को मैं ग्राइंड कर लूँगी, और ग्राइंड करने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर आगे की चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो अब ये यहाँ पर मैंने ग्राइंड कर लिया है, जल्दी से इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। और इसके बाद मैं इसके लिए पकोड़े रेडी कर लूँगी। और हाँ, यहाँ पर मुझे दही कुछ कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप मज़ीद दही ले लिया। इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है, और फेंट के मैं इसमें ऐड करके इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। तो अब यहाँ पे मैंने दही भी इसमें ऐड कर लिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और क्योंकि दही जो है वो पकोड़े डालने के बाद दही कम लगने लगता है तो इसलिए मैंने दही थोड़ा सा और ऐड किया यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने एक देगची में पानी ले लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके मैं मिक्स कर दूँगी क्योंकि जो मैं पकोड़े बनाऊँगी वो मैं इसमें ही डालूँगी ताकि पकोड़े सॉफ्ट बने। और इस तरह से दही बड़े जब भी बनाते हैं या कड़ी बनाते हैं तो उसके लिए पकोड़े मैं हमेशा पानी में निकालती हूँ ताकि वो बहुत ही सॉफ़्ट हों। तो अब यहाँ पर मैंने पहले से ही कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया था और पकोड़े भी मैं इसमें जल्दी से तैयार कर लूँगी। और इस तरह से सारे पकोड़े जो हैं वो पहले मैं चमचे से डाल रही थी ऑयल में, लेकिन उसके शेप्स मुझे सही नहीं लग रहे थे, फिर ये मैंने हाथों से ऑयल में डाला है। थिक पेस्ट था तो ये बहुत आसानी से इस तरह से देखिए राउंड शेप में ये सारे पकोड़े रेडी हो गए। तो जब अगर थिक पेस्ट हो तो इस तरह से राउंड शेप में पकोड़े रेडी हो जाते हैं और जिन लोगों के जो है वो लिक्विड सा पेस्ट बन जाता है तो सारे पकोड़ों की शेप्स ख़राब हो जाती है। तो अब मैंने ये पकोड़े पानी में निकाल लिए हैं, इस तरह से ये सारे सॉफ़्ट हो जाएंगे। और पकोड़े बस 5-10 मिनट ही पानी में रहते हैं और उसके बाद इसे निकाल लेना है। और अच्छा, यहाँ पर मैं भगार भी रेडी कर रही हूँ, दही फुल्कियों में भगार भी लगता है जो ये वाली रेसिपी है। तो अब यहाँ पर मैंने जिस ऑयल में पकोड़े रेडी किए थे वही ऑयल मैंने एक पैन में ले लिया है, उसे गर्म कर लेना है। और 3 से 4 अदद साबुत लाल मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं और ज़ीरा लिया है। सिर्फ इन चीज़ों का भगाड़ लगेगा बस और इसका ही बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को गरम कर लिया है और उसके बाद जो है दही में पकोड़े हमें ऐड करने हैं। पकोड़े जो मैंने पानी में भिगो कर रखे थे, अब उन पकोड़ों को अच्छी तरह उनका पानी निकाल लेना है और फिर उसके बाद दही में ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं पकोड़ों का पानी दोनों हाथों से दबाकर इस तरह से निकाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, पकोड़ों को हल्के हाथों से प्रेस करना है ताकि इनका सारा पानी निकल आए और फिर दही में ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से तमाम पकोड़े दही में ऐड कर दूँगी और वीडियो की स्पीड मैंने यहाँ पर बढ़ा दी है। और ये पकोड़े जी ऐड हो गए हैं, अब इनको दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, डिप कर लेना है। और इसके बाद जो भगार रेडी किया था वो इसके ऊपर डाल देना है। तो ये भगार मैं इसमें डाल दूँगी और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दूँगी और उसके बाद ये बहुत ही मज़ेदार से चटपटे से दही फुल्कियाँ बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी रेडी हो चुकी हैं और इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा होता है। एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और गर्मियों के लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। और झटपट अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। तो ये रेडी हो चुकी है, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखें, ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है और अगर उसी वक्त बनाकर आप खाते हैं तो इसका बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। इसे आप रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और इस तरह से भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये काम हो चुके थे, खाना भी पक चुका था और मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी जो वॉश करके फ़्रिज में रख दिए थे। अब जल्दी से मैं यहाँ पर आटा भी गूँध लूँगी। रात की रोटियों के लिए आटा गूँध कर मैंने रख लिया है और उसके बाद मैं रात को रोटियाँ पका लूँगी। तो फटाफट से जी आटा गूँध लेते हैं। आटे में मैंने नमक शामिल किया है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके मैं आटा गूँध लूँगी। और तो ये तो थी जी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।